हेलो माय डियर ब्यूटीफुल लर्नर्स, यू ऑल आर वार्मली वेलकम ऑन योर ओन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ल्ड। इन टुडेज वीडियो ऑफ वोकैबुलरी बिल्डिंग वील सी सम वर्ड्स रिलेटेड टू रेनी सीजन, मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन से रिलेटेड हम कुछ वर्ड्स सीखेंगे जो हम इस सीजन में तो यूजुअली सुनते हैं बट हमें उसका मीनिंग पता नहीं होता है। अगर हमें मीनिंग पता होगा तो हम अच्छे से उन वर्ड्स को यूज कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि वोकैबुलरी बिल्डिंग का सीरीज हमारा चालू है और जल्द ही मैं इंग्लिश स्पोकन कोर्स लेके आने वाली हूँ। स्पोकन इंग्लिश कोर्स में जो फ्री में है हम प्रैक्टिकली बोलना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो बहुत टाइम बाद आ रहा है, उसका रीजन है ये है कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम सम हेल्थ इश्यूज जिसके वजह से वीडियोस लेके आने में थोड़ा सा डिले हुआ है। तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे उसी एनर्जी के साथ। सबसे पहला वर्ड है मॉनसून। मॉनसून का मतलब है एक ऐसा सीजन, मॉनसून एक सीजन का नाम है जिसमें रेन आती है, बारिश आती है। तो बारिश जिस सीजन में आती है उस सीजन का नाम होता है मॉनसून। नेक्स्ट इज रेनफॉल। रेनफॉल का मतलब होता है, रेन मतलब बारिश और फॉल मतलब गिरना, बारिश का गिरना। कितना अमाउंट ऑफ रेन फॉल हो रहा है उस अमाउंट ऑफ रेन को रेनफॉल बोलेंगे। नेक्स्ट इज डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है हैवी रेनफॉल। सडनली जब बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है तो उसे हम बोलते हैं डाउनपोर। नेक्स्ट है डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब होता है बहाव, आप फ्लड भी बोल सकते हैं, पानी के तेज बहाव को डेल्यूज बोला जाता है। नेक्स्ट इज फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। थंडरस्टॉर्म, जब बहुत ज्यादा गरजते हैं बादल, बहुत ज्यादा आवाज आता है, लाइट चमकती है, बादलों के गरजने का आवाज आता है तो उसे बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। नेक्स्ट इज ड्रिजल। जब बहुत हल्की सी बारिश होती है और वो हल्की बारिश जो होती है वो थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद करके गिरती है, छोटे छोटे बूंद गिरते हैं, उससे बोलते हैं ड्रिजल। पडल। पडल का मतलब है जब बारिश में छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, धरती पे गड्ढे होते हैं और उन गड्ढों में जब पानी भर जाता है, छोटे छोटे गड्ढे पानी के, उसे हम पडल बोलते हैं। नेक्स्ट इज अम्ब्रेला, जो हमें पता है छतरी। मडी मतलब मड से भरा हुआ, कीचड़ से भरा हुआ, मडी। वाटरलॉक्ड, जब पानी बहुत ज्यादा रुक जाता है, मतलब पानी लॉक हो जाता है बारिश की वजह से, पानी भर जाता है कहीं पे, तो हम बोलते हैं वाटरलॉक्ड। लाइटनिंग, जब बादलों से आसमान में लाइटनिंग दिखाई देती है, बिजली चमकती है, उसे हम लाइटनिंग बोलते हैं। पेट्रिकॉर। पेट्रिकॉर क्या होता है? पेट्रिकॉर का मतलब है जब बारिश गिरती है, पहली बारिश गिरती है और जब सुगंध आती है, मिट्टी की जो खुशबू आती है, वो जो बहुत ही हमें अच्छी लगती है, उस मिट्टी के खुशबू को पेट्रिकॉर बोलते हैं। नेक्स्ट इज मिस्ट। मिस्ट का मतलब होता है कोहरा, जब पूरा व्हाइट हो जाता है, हमें धुंध हो जाता है और हमें आगे कुछ दिखाई नहीं देता है, उसे इंग्लिश में मिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है सिरेन। सिरेन मीन्स एकदम शांत। चॉपिंग, ये बर्ड्स के आवाज को हम चॉपिंग बोलते हैं, बर्ड्स के साउंड को चॉपिंग बोला जाता है। रेन ड्रॉप, बारिश की बूंद, एक बूंद को रेन ड्रॉप बोला जाता है। ओवरकास्ट, जब आसमान में बादल छाए हुए होते हैं और आसमान क्लीन नहीं होता है, सिर्फ बादल दिखते हैं हमें और बारिश आने वाली होती है, उसे बोलते हैं ओवरकास्ट। हेल स्टॉर्म, ओले पड़ना, ओलों को हम हेल स्टॉर्म बोलते हैं। सॉगी, सॉगी मतलब गीला होना। मगी, गीलापन, गीला होना और गीलापन में फर्क है। गीला जब होते हैं ना तो हम सच में गीले होते हैं, और गीलापन मतलब गीला ना हुआ, सूखा है तो भी हमें गीलापन महसूस होता है। नेक्स्ट इज रंबलिंग, जब बादल गरजते हैं तो उन गरजने को हम रंबलिंग बोलते हैं। टोरेंशियल, बहुत हैवी क्वांटिटी में जब रेनफॉल होती है तो उसे टोरेंशियल बोला जाता है। स्टॉर्मी, स्टॉर्मी मतलब तूफानी। गस्टी मीन्स जबरदस्त, आज बारिश जबरदस्त है तो गस्टी हम उसमें यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज के वर्ड्स समझ में आए होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट करना मत भूलना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको ये बताऊं, क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट का जो इंग्लिश का सिलेबस है, मैक्सिमम सिलेबस मैंने इस चैनल पे कवर किया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल रिप्लाई इमीडिएटली। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।